हेलो हेलो, जॉन साहब बोल रहे हैं? जी, जय माता की। जय माता की साहब। आपका वो वीडियो सुन रहा था, एक जबलपुर वाला बोल रहा था, एक जयपुर वाला बोल रहा था, जी तो उन्हीं में से एक मैं भी घायल परिंदा हूँ। अच्छा, कहाँ से बोल रहे भाई मैं साहब? ग्वालियर से बोल रहा हूँ सर। अच्छा, ग्वालियर से बोल रहे हैं भाई जी, मैं फौजी साहब हूँ आप। जी, अच्छा, फौजी हैं तो जी सर। इस समय फौजी हैं कि रिटायर हो चुके हैं? मैं रिटायर्ड हो गया, रिटायर्ड अच्छा, होने के फिर ठीक बाद है, ठीक जाता ठीक हूँ। है। इसलिए ये बात मैं इसलिए मैंने पूछी क्योंकि अगर आप फौज में अभी भी हैं तो हाँ, फिर थोड़ा सा सोशल मीडिया में आने में दिक्कत होती है, और नहीं नहीं अगर नहीं मैं तो रिटायर्ड हो गया हूँ और तब मैं फिर कोई दिक्कत खुले नहीं। दिल का आदमी हूँ जी, तो क्या है जी। कि इस समय स्थिति जब आप लुटे हैं तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि वहां क्या हो रहा है, वो तो वो आप। तो सब फ्राड ही लग रहा है, क्योंकि अभी मैं आपको ये सारी मैंने कहानी सबकी सुन ली, उसके अलावा मैं एक चीज आपको बताने के लिए फोन किया है। अच्छा, पहले मुझे अपना परिचय दे दीजिए। जी मैं राजवीर सिंह तोमर, अच्छा, ग्वालियर सैनिक कॉलोनी पिंटो पार्क, एक्स सर्विसमैन हूँ। मैं तो वहां भी खूब सबको ठंस के आया ढंग से, मेरे से तो कोई किसी ने बकवास किया नहीं, क्योंकि मैं बता दिया था मैं फौजी हूँ, 10 पे भी भारी हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जी और जो पैसे ले लिए हैं चलो कोई बात नहीं, एक बार हो गया हो गया, काट की हंडी एक बार ही चढ़ती है। अच्छा, कैसे हुआ, क्या था ये, मतलब आप कब गए थे वहां? मैं तो बहुत दिनों से ही सुन रहा था, यूट्यूब पे देख रहा था, लोगों से सुना भी था, लेकिन मेरे एक दोस्त हैं जबलपुर में, राय जी, तो उन्होंने ऐसी बात बोल दी, क्योंकि वो काफी दिनों से परेशान थे, बोला मेरा सारा काम हो गया, ये है वो है, तंवर जी अगर तुम्हारा काम ना हो तो तुम मतलब जो चाहो मेरा वो कर लेना है। वो बात मैं बता नहीं सकता, ऐसी हाँ उन्होंने मजाक में बोल दिया था। जी जी तो उन्होंने ऐसी बात बोल दी, तो फिर मैंने कि चलो ठीक है जाता हूँ। हाँ, तो मैं गया तो वहाँ अव्यवस्था तो देखी मैंने, तो कब गए थे मैंने कि मैं गया था मई में। ये? 2022 में ही? हाँ अच्छा मई में गया था, अच्छा 30 मई को। तो मैंने कहा यार यहाँ तो कोई कुछ सुन ही नहीं रहा। बोला नहीं आप पर्ची वर्ची कटवाओ, फिर उसके बाद यहाँ नहाने के लिए जाओ, फिर वहाँ मंदिर में जाओ, ये करो वो करो। तो ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि ऐसे तुम्हारा नंबर नहीं आएगा, ऐसा करो एक गुरु जी के ही चेला है वो, मैं हकीकत आपको यही बताने के चक्कर में आपको फोन किया था, बाकी किसी ने ऐसा नहीं बताया आपको। इन्होंने 10-20 आदमी ऐसे छोड़ रखे हैं जो अपने अपने मतलब दरबार लगाता है, कोई जबलपुर में, कोई सागर में, कोई कहीं, कोई कहीं, ये सही बात है, और 10-10 आदमी लेके आते हैं वो हर 15 दिन में। ये मुझे जानकारी हो गई है, और हाँ आप तो उसकी मतलब आप उसकी प्रमाण के प्रमाणित कर रहे हैं जो मेरे पास जानकारी आई है। बिल्कुल, तो गुरु जी को मतलब 1100 रुपए की पर्ची कटवाओ आप और 1000 रुपया उनको दो। अच्छा, मतलब दलाली। हाँ दलाली वो चेला है उनके, 10-10 आदमी लेके आते हैं। तो मुझे नंबर दिया किसी ने कि ऐसे ऐसे हैं और अच्छा वो करेरा के रहने वाले हैं सागर के पास। तो उनसे बात करी तो बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ, इस तारीख को आप आ जाओ। मैं भी गया, भैया दो बंदे और मैंने बुला लिए, क्योंकि आशा लगती है वही कि कुछ हो जाएगा काम, तो ठीक है आ जी जाओ तुम भी बिल्कुल आ जाओ। तो हम गए वहां, फिर हमें स्पेशल एक कुटिया बना रखी है उधर, तो कुटिया में हमें 10 आदमियों को घुसेड़ दिया कि ये शुक्ला जी के आदमी है, अंदर हो जाओ, जो जो शुक्ला के साथ में आए। गए अंदर, गुरु जी केवल अपना लुंगी लगा के ही सुबह सुबह बैठ गए, अच्छा ना नहाए ना धोए, ऐसे ही लुंगी लगा के बैठ गए। अच्छा हाँ भाई आ जाओ आ जाओ, तुम आ जाओ तुम आ जाओ, हमारा लास्ट में नंबर आया। हमसे पहले एक और लेडीज थी कोई बिहार की, पता नहीं कहाँ की, उस पे भूत आ गया, तो उसने और ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया। हमने कि हमारा नंबर आने था तभी सारा ये हंगामा कर दिया इसने। फिर नंबर हमारा भी आया तो हम तो पर्ची बना के ले गए थे, 5-6 क्वेश्चन जेब में रखे थे। हाँ उन क्वेश्चन के अलावा उन्होंने
अपने आप ही ठोक दिए सब। हमारी एक चोरी हुई थी 2000 में, वो लिख रहे हैं 98 में। उसके अलावा केस चल रहा था तो बोला केस आपके पक्ष में होगा, घर में आपके तांत्रिक क्रिया किसी ने करवाई है, ग्रह कलेश रहता है। ऐसा कर तो कोई भी एक आदि होगा जिसमें कलेश नहीं रहता। हाँ। लड़ाई चोरी बहुत वो तो होती है। बेटे का नाम क्या है, मैंने बेटे का नाम ये है तो नाम लिख दिया। बेटे का रोजगार लग जाएगा, बेटा जबकि मेरा रोजगार क्या, वो तो नौकरी पे लगा ही था। ये सब मतलब जो भी लिखा सब फ्रॉड ही लिखा। अब मैं तसल्ली इसलिए कर गया कि मैं तो 1100 या 2000 रुपए मेरे खर्च हुए थे, मैं ग्वालियर से, यहाँ से ज्यादा 150 रुपए लगते हैं। तो मेरा ज्यादा खर्चा नहीं हुआ इसलिए मैं शांति हुआ। लेकिन ये आपके ये जब यूट्यूब पे वो देख रहा हूँ ना, तो मैंने कि आपसे बात कर ही लेता हूँ। अच्छा एक चीज बताइए, जो जिस मतलब उनके जो भी शिष्य थे, अब अभी शिष्य कहेंगे, तो उनके भी कुछ शुल्क था मिलाने का? हाँ अच्छा, 1100 की जैसे पर्ची कटवाई 1000 रुपए उनको दो, गुरु के गुरु जो चेला है, तो मतलब 2100 रुपए आपके लगे थे। हाँ अब ऐसा है 10 आदमी लाए तो 10000 तो उनके हो ही गए। अच्छा तो कुल मिला के अगर उनके थ्रू आप किसी मिलते हैं तो आपको फिर 11000 21000 की पर्ची भी नहीं कटवानी पड़ेगी? हाँ और कटवानी पड़ेगी आपको। अभी फिर हमने बोला उनको, हमने कि हमारा तो यार सब उल्टा पुल्टा बता दिया, हमने तो उस टाइम इसलिए नहीं बोला कि हंगामा हो जाएगा अभी। तो उनका चेला बोला वो कि आप 500 की फिर पर्ची कटवाना, अब कि तुम्हें फिर मिलवा देता हूँ। अच्छा तो हमने कि ठीक है मिलवा दो। फिर वो बुलाते रहे, हम गए नहीं, बस उन्होंने उसमें लिख दिया 3 नारियल 3 हवन 3 रामायण। हमने की ऐसी तैसी तुम्हारी, हम तो नारियल 300 रुपए थे तो नारियल तो चलो बांध के आ गए भगवान के नाम पे। बाकी कुछ भी कहीं कुछ नहीं हुआ, दलाली चल रही है, टोटल फ्रॉड काम है। पर्ची भी देते हैं वो पता नहीं क्या उसमें लिख के देते हैं कि इतने का ये माल दिया, इतने का ये माल दिया, ऐसे करके पर्ची दूसरे की काट के और स्टोर की देते हैं कोई। हाँ तो ऐसी पर्ची भी दे देते हैं और उसका कोई प्रूफ नहीं जिससे कोई मतलब FIR भी कर सके। वो गुंजाइश नहीं। तो उसमें लिखा रहता है कि भैया हमने तो तुम्हें बुलाया नहीं, तुम क्यों आए, बात ऐसा हो जाता ना। हाँ क्यों आए। अच्छा आपके पास किसी भी तरह कोई स्लिप या कुछ भी है, थोड़ी सी भी प्रूफ? हाँ है, मैं अपनी पुरानी पर्ची भी दिखा दूंगा, उन्होंने लिखी है वो पर्ची भी है। अब मैं आपका नंबर ये सेव कर लेता हूँ, फिर व्हाट्सएप पे आपका भेज देता हूँ। मुझे एक तो अपनी फोटो भेज दीजिएगा। फोटो भेज दूंगा, व्हाट्सएप अभी भेजिए आप। मैं इस समय स्टूडियो में हूँ। अच्छा अच्छा, मैं आप एक नई चीज बता रहे हैं। हाँ नई चीज, मैं इसलिए तो मैं आपको फोन किया। एक्चुअल में आज सुबह से मेरे पास 3 कॉल इस तरह के आए हैं, एक तो दिल्ली से आया था एक महिला का। उसके पहले एक दिन पहले और फोन आया था कि उसने ये बात कल ही आया था कि अच्छा। इन्होंने ऑफर दिया होगा उसे, जोधपुर का व्यक्ति है कोई एक लड़का, कि आप भी दरबार लगा सकते हो। हाँ तो उसने कहा मैं कैसे दरबार लगा सकता हूँ, मैं आपने मुझे नहीं संतुष्ट किया तो मैं आगे क्या दरबार लगाऊंगा। तो वो मुझसे उसने सारी बातें बताई तो मेरा दिमाग में समझ नहीं पाया ये बात। फिर सुबह आज एक महिला का फोन आया, उन्होंने बताया कि उनके एक शिष्य वहां पर दिल्ली में पता नहीं सेक्टर कौन सा बताया उसमें आए थे, हमें भी बुलाया गया, हम भी गए थे, परेशानियां थी तो वहां, खैर परेशानी तो वो ये देखते थे वहां सब लगभग गरीब बैठे थे, जो देखते थे जो थोड़ा सा ठीक ठाक है पैसे खर्चा कर सकते हैं तो वो बताते थे कि आपको पंडोखर चलना पड़ेगा तो आपका लाभ मिल जाएगा। हाँ तो हमसे यही गुरुजी ने और बाद में बोला। हाँ, और एक चीज कि मतलब वहाँ जितने भी व्यक्ति थे चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, एक गीता रखे थे, कहते थे यहाँ पर मत्था टेको, मत्था टेको तो कुछ पैसे चढ़ाओ। हाँ जिसके पास नहीं तो जो है सो चढ़ाओ। और तीसरी चीज ये कि वो हर एक व्यक्ति से किसी से 2 किलो चीनी मतलब 10 किलो चीनी, किसी से 5 किलो दाल, इस तरह से हर एक को कह कह के उनसे इकट्ठा कर रहे थे। तो मेरा दिमाग खटका कि भाई वो दरबार लगाने की बात हुई, एक शिष्य उनका वो इस तरह हुआ ही कर रहा है, इधर आपने बता दिया। तब ये तीन तीन चीजें इकट्ठा हो गई, बस बात का प्रूफ हो गया
कि ये एक पूरा एक और भी एक चक्र चल रहा है इसके ऊपर। अभी एक जयपुर से आए थे, वो भी आर्मी में है, सिविल सर्विस है, मतलब आर्मी में तो है लेकिन कुछ सिविलियन टाइप के रहते हैं आर्मी में, ऑडिटर ऑडिट करते हैं, तो उनसे भी मेरा संपर्क है। मैंने भी उनको बताया, मैंने कि आपने सुना है ऐसी ऐसी ये कोई चौहान साहब से बात कर रहे हैं ये वो, मैंने बोला हाँ मैंने भी सुना है, तो मैंने कि फिर आप भी करो फोन उनको। तो उनसे भी ऐसी जो लोग बोल रहे हैं कि कमरे में मिलके पहले पर्ची बना ली उन्होंने सब कुछ, और फिर उनको वहां बुलाया दरबार में, तो उन्होंने बोला कि पिताजी की तबीयत, बोला पिताजी तबीयत ठीक हो जाएगी। मैंने बोला तबीयत कहाँ से ठीक हो जाएगी, वो तो 15 साल पहले गुजर गए। जो हाई नहीं होगी तभी तो आप ठीक कर रहे हैं। आशा से मेरी जरूर बात करा दीजिएगा। बिल्कुल मैं भेजूंगा, मुझे ही नंबर दे दीजिएगा तो मैं बात कर लूंगा, वो कोई दिक्कत की बात नहीं, चाहे वो करे चाहे मैं करूँ। हाँ ठीक है, मैं आपके इसी पे नंबर भेज दूंगा। और आप उनसे बोला मीना जी आप गए थे वहाँ पंडोखर सरकार, तोमर साहब ने बोला मुझे जी, ग्वालियर वाले ने जी, तो आपकी क्या समस्या थी और कैसे कैसे आपको पागल बनाया ये बताना। जी जी मैं बिल्कुल उसे भी बात करूं, क्योंकि आप ये समझिए कि सचमुच में अब इसके विरुद्ध आवाज उठानी बहुत जरूरी हो गई। अब हमें जनता को जागृत करना ही पड़ेगा और कोई विकल्प दिख नहीं रहा। नहीं तो अब कैसे अपन क्या कर सकते हो हम? हाँ हम ये कर सकते हैं कि जैसे आपसे हमारी बात हुई, हम आपकी सहमति लेके वीडियो डालेंगे। बिल्कुल हमारी तो सहमत है, हम तो हमारे पास तो, प्रूफ है। हाँ तो इसी तरह, क्योंकि हम बगैर प्रूफ के नहीं डाल रहे, इसलिए वीडियो कहाँ डालो, कौन सुनने वाला है ऐसे। आप अगर कोई हाँ प्रशासन से मदद करो कि प्रशासन हमारी सुने, जैसे फ्रॉड काम हो रहा है, जनता लूटी जा रही है। नहीं सुनिए, तो हमारे पास दो चीजें आती हैं। अच्छा, एक चीज आती है कि जैसे आपने वीडियो देखा और हमें फोन किया, हाँ तो आप उस वीडियो को देखें तभी तो फोन किए हैं। हाँ इसी तरह वो भी व्यक्ति देखते हैं जो नहीं गए कभी। हाँ ये बात तो है, इससे थोड़ा वो भी देखते हैं, जागरूकता नहीं, वो जाती ही नहीं है। इस तरह के बहुत, मतलब कहे जाए मुझे लगता है 300-400 से ज्यादा कॉल आ चुकी है इस बात की कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस तरह की वीडियो डाली, हम वहां जाने से बच गए। अच्छा, तो 300-400 बहुत होते हैं, क्योंकि देखिए बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, इतने लोगों को अगर हमने बचा लिया तो एक काम तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि जैसे ये वीडियो की मात्रा बढ़ती जाएगी तो ये ज्यादातर लोगों में पहुंचेगा, और जब ज्यादातर लोगों में पहुंचेगा तो दोनों तरह के व्यक्ति जो नहीं मतलब वहां लुटे हैं वो भी आक्रोशित होंगे, और जो लुट गए हो तो आक्रोशित होंगे। तो जब ये परिस्थिति आएगी तो हम एक इस तरह की वार्ताएं शुरू कर देंगे। मेरे सामने जयपुर के किसी गांव के एक सरपंच थे जी, पहले आप मेरी सुन लीजिएगा, पहले मेरी सुन लीजिएगा। हाँ तो हम इस तरह की वार्ताएं शुरू कर देंगे एक जूम मीटिंग के माध्यम से। तो जब ज्यादा से ज्यादा लोगों की मीटिंगें होंगी और वो भी वीडियो में डालेंगे, फिर प्रशासन को भेजेंगे। अभी तक आपको लग रहा था कि 1-2-4 की बात है, अब तो इतने लोग मीटिंग कर रहे हैं और आपस में चर्चा कर रहे हैं, तो अगर ये सब कुछ वहां सही है तो फिर इनके साथ क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं, सब बकवास नहीं। तो इतने लोगों के साथ जब गड़बड़ हुआ तब तो शासन प्रशासन को संज्ञान में लेना पड़ेगा, और इसके बाद भी अगर नहीं लेते हैं तो फिर हम कोर्ट में जाएंगे, जनहित याचिका दायर करेंगे। हाँ तो फिर तो सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कोशिश तो करनी पड़ेगी। अगर हम ऐसे सोच लें कि कौन हमारी सुनेगा, तो आप ये चीज अगर हमने सोचा होता तो आप हमें फोन नहीं लगा पाते। जी जी, तो हमें एक दूसरे का संबल बनना ही पड़ेगा, जबकि मैं कभी नहीं गया हूँ वहां जी, मैं नहीं लूटा हूँ, जब गए नहीं तो लूटूंगा क्या? इसके बाद भी लोगों की पीड़ा तो मुझे परेशान कर रही है ना, तो इसी तरह उस पीड़ा को सबको तो एहसास करना पड़ेगा जी। और जब तक हम लोग इकट्ठे होकर नहीं खड़े होंगे तो हमारी कोई नहीं सुनेगा। सही है, और जिस दिन हम इकट्ठे होकर खड़े हो गए तो सब कोई सुनने के लिए बाध्य हो जाएगा। मेरे साथ में सुबह सुबह कम से कम 10-20 आदमी जाते हैं, सब फौजी घूमने के लिए। हाँ
मैंने उनको सबको बता रखा है, मैंने भैया सब फ्रॉड काम है, वहाँ पैसा लूटने के अलावा कुछ नहीं है। हाँ, तो आप एक और छोटा सा काम कर दीजिए, एक तो इन वीडियो को सभी लोगों को कहिए कि शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। अच्छा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचे, तो क्योंकि जब पहुँचेगा तभी तो पता चलता है कि वो सही से ठगे गए हैं या ठगने के लिए वहाँ ठगे जाने के लिए जा रहे हैं। तो उसमें भी जो जा रहे हैं तो उसमें रोक लगेगी, और जो ठगे गए हैं उनके कम से कम फोन आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मैं ये ग्रुप पे डलवाता हूँ, हमारा तो हजारों आदमी का ग्रुप है। हाँ, तो इतना आपको थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करवाने हैं। और पहला तो आप ये करिए कि आप अपनी मुझे फोटो अभी भेजिए, और जो भी हो, जो भी हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भेजता हूँ, अभी भेजता हूँ। जी जी, अभी भेजिए मुझे, और मैं आज ही वीडियो बना के डालूँ, क्योंकि एक नया टॉपिक आ खड़ा हो गया। हाँ, मैं इसीलिए फोन किया था कि ये बात किसी ने बताई नहीं आपको अभी तक। नहीं, बताई है, तीन लोगों ने बताई, चौथे आप हैं। प्रमाणित आपने किया है, क्योंकि देखिए क्या होता है, एक किसी से सुन लेना तो पहले तो समझ भी नहीं आता ना है क्या ये। फिर जब दूसरा वही बात रिपीट करता है, तीसरा रिपीट करता है, तब तो दिमाग में आता है, अरे ये तो क्या है। तो जब आपने इतने कॉन्फिडेंस बात कही, तब मेरे दिमाग में पूरी तरह से बात आई कि ये भी एक रैकेट जैसा चल रहा है। हाँ, रैकेट चल रहा है इनका, हैं दो चार दस इनके चेला हैं। हाँ। वो जगह जगह बैठते हैं और वो कुछ नहीं करते, बस केवल वहां से जनता इकट्ठी करके और लाते इधर के लिए हैं। अभी वहां पे करते भी हैं ये, क्या करते हैं कि उनसे पैसे चढ़वाते हैं। चढ़वाते होंगे, लेकिन मैंने उनसे, मुझे किसी ने बताया कि वो तो छोटे गुरुजी हैं और बड़े गुरुजी के बाद इन्हीं का नंबर आता है, ये भी समस्या हल कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे हंसते हंसते बोल दिया उनको, मैंने गुरुजी काय को परेशान करे हो, आप ही बता दो। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, वो तो पंडुक और सरकार ही करेंगे, आप उधर ही आ जाना, क्योंकि उनकी बस की बात कुछ है नहीं हमें मारा। ना ना, कुछ नहीं है उनका, केवल ये है कि आप दरबार लगाओ तो आप भी कमाओ। हाँ, इसके बाद आप थोड़ा थोड़ा कमा लो, आप फिर हम तो यहाँ ठीक से कमा ही लेंगे। बोलो, मैं 2002 से जुड़ा हूँ गुरु जी से। हाँ। तो अरे 20,000 रुपए तुम्हें बस आने जाने के ही मिल रहे हैं, दो बार आ गए 15 दिन में, 10 आदमी लेके 20,000 रुपए हो गए तुम्हारे साथ। लीजिए, 20,000 कुछ मायने नहीं रखते क्या, बड़ी बात होती। हाँ, और वो मैं उनका भी फोटो भेज देता हूँ जो चेला है, भेज दीजिएगा, उसमें क्या, उनकी भी कैदे लगा देते हैं कि यही लेवा के गए थे, उसमें क्या है। हाँ हाँ, वो भी लपेटे में आ ही जाए, उसमें क्या है। हाँ, और जब जब ये उत्पात मची रहा है तो थोड़ा सा मची जाए। हाँ, और आप ये, आप हमारी अंतिम कॉल नहीं है, वीडियो डालने के बाद अभी हमें आपसे फिर से चर्चा करनी है कुछ। हाँ, फिर ऐसी चर्चा करेंगे जो आप भले ही रिकॉर्ड कर लेना। हाँ, तो ये क्या सोच रहे हैं, ये रिकॉर्ड नहीं है क्या? रिकॉर्ड होने तो कोई बात नहीं, मैं तो और अच्छी तरह करने के लिए और बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, इसको अपन ऐसे ही डालेंगे, इसलिए लोगों को ये पता चलता है कि प्रायोजित नहीं है। हाँ ठीक है, ये आपस में जो क्लियर क्लियर बातें जो जो सचमुच में उस तरह से अपन बात करके, मतलब ऐसा नहीं कि हमने पूर्व पहले निश्चित किया है फिर एक दूसरे से काल में बात कर रहे हैं कि हम अब रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा नहीं है। एक नॉर्मल वे में जो बातें कर रहे हैं वही डाल रहे हैं, दूसरी बार अब हम निश्चित करके डालेंगे, हम आपसे फिर जूम मीटिंग में बात करेंगे, फोन से पहले निश्चित करेंगे, फिर आपस में बैठेंगे और एक पूरी चर्चा करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि अभी तो हमने समस्या डाली है ना कि हमारे साथ ऐसा हुआ, अब हमें ये भी तो डालना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या, सॉल्यूशन क्या निकले, हम कैसे इससे मुक्ति पाए। अच्छा गुरु जी, वहां के जो पास के आम आदमी है ना जो गांव के, हाँ वो उनका कई लोगों का कहना है कि हम नहीं मानते। हाँ, मैंने उन लोगों से जो सवारी बैठ के गई थी मेरे साथ में ऑटो में, तो मैंने कि पंडुक सरकार पे आप नहीं जाते, बोला अरे कहीं कुछ नहीं है, ऐसी बकवास है, तुम लोग पागल हो गए, आते हो ठीक है आओ, और हमारे तो ये रोजाना के देखे हुए हैं जन्म से है, अरे हम नहीं मानते। एक तो गालियां दे रहा था, तो मैं अपनी आंखों देखी बात बताता हूँ, एक सरपंच थे कोई राजस्थान के, वो अच्छे ठीक थे, उन्होंने पर्ची वर्ची कटवाई होगी, उनका नंबर ही नहीं आ रहा, 15 दिन से बुला रखा है, तो वो फिर चिल्लाने लगे खूब जोर से, क्योंकि दमदार आदमी था, सरपंच था, गाड़ी वाड़ी लेके आया था अपने,
तो जब चिल्लाने लगा तो वहां जो बाउंसर रहते हैं जो उनके गार्ड, उन्होंने भाई वो झगड़ा कर दिया, उनको फिर भगाया वहां से। अच्छा। हाँ, कि तुम यहाँ ऐसे चिल्लाओगे तो मतलब बदनामी होगी इनकी और क्या, इसलिए वहां से जल्दी भगा दिया। हाँ, वो तो फिर वो है गार्ड रहते हैं। हाँ, वो लड़ गया। बोला क्या चुतिया समझ रखा है। वही तो दिक्कतें हैं वहाँ, वो एक्चुअल में गुंडागर्दी भी पूरी होती है ना। हाँ, हम ही से पूछते हो और हम ही को बताते हो ये क्या है। हाँ, तो गुंडागर्दी है पूरी वो, अब ये कुछ तो कुछ नहीं, बहुत ज्यादा गड़बड़ है। और पैसा लेने के बाद वापसी का तो नाम है ही नहीं। हाँ, वापसी नहीं होती। आप और एक चीज बताई गई कि जब तक पैसे आपसे नहीं ले लेते तब तक बहुत प्यार से बोलेंगे। हाँ, जैसे ही आपसे पैसे ले लिए पूरी भाषा बदल जाती। हम तो वहां गए तो हमने 500 रुपए की बोली, हमने 500 रुपए की पर्ची काट दो हमारी। भाई हर तरह का आदमी आता है, 50,000 वाला भी आता है, गरीब भी आता है, अमीर भी आता है। बोले 500 की कट जरूर जाएगी लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, गारंटी क्या, आपसे बढ़वा बढ़वा के बड़ा बड़ी करवा लेंगे। हाँ, तभी मिलने देंगे, नहीं तो मिलने नहीं देंगे। फिर जेब में हाथ डाला, भैया चलो 1100 ही का 1000 की कर दे। नहीं नहीं 1100 ही करवाओ, 1100 ही करवा ली, चलो ठीक है, फर्स्ट में कोई बात नहीं। तो 1100 की करवाने के बाद हमारा तो नंबर दूसरे ही दिन वो गुरुजी के चेला की वजह से आ गया झोंपड़ी में। रात को दरी पड़े रहे, सुबह 9 बजे गुरुजी आ गए, लपेट के, ना उन्होंने मुंह धोया ना कुछ, बाप रे। हाँ, और लुंगी लगाए आके बैठ गए। हाँ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, बस ले आके और सबको निपटा दिया और जाओ। मतलब कुल मिला के आपकी जो जेब में है आप चढ़ाए जाओ, अपने अपने घर जाओ। हाँ, बस यही तो हो गया और क्या है। लेकिन अब मैं तो ये कह रहा हूँ, भगवान अगर ये बिल्कुल गलत हो रहा है तो इनको कष्ट तो दे जरूर। जैसे आसाराम और ये राम रहीम को सजा मिली है, एक ऐसे इनको भी मिलना चाहिए। एक बात तो आप समझ लीजिए, जो प्रकृति का डंडा है ना उसमें आवाज नहीं होती। आवाज तो नहीं होती लेकिन देर तो, हाँ देर, देखिए देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। अब देर का कारण है क्योंकि आपके जो संस्कार है पूर्व के उस स्तर तक जाने के, तब तो वहां तक तो आप जा सकते हैं। पर जब जो आपने संस्कार संजो के रखे हुए हैं और उनको खत्म भी तो करना पड़ेगा, तो जैसी वो कोटा खत्म हुआ कि फिर दंड का प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अच्छा सिंह साहब, मुझे आप अभी भेजिए, मैं अभी स्टूडियो में डटा हुआ हूँ। ओके, तो एक मोबाइल से अपनी एक फोटो खींच लीजिएगा और जो भी एक दो रसीदी हो उन्हें वो आप मुझे तुरंत भेजिए। ठीक जी, जय माता, ठीक है साहब, नमस्कार।